औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। व्यूवर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में कि ट्राइमेटाबोल क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको हम किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ट्राइमेटाबोल के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा व्यूवर्स, तो पहले हम इसकी यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। व्यूवर्स, ट्राइमेटाबोल सिरप को बेसिकली भूख को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो वो बहुत कम खाना खाते हैं और इससे उसका जिस्म जो है ना कमज़ोर हो जाता है, उसके जिस्म की नशोनुमा सही नहीं होती। तो ये एक ऐसा सिरप है जिसके इस्तेमाल से जो है ना आपको भूख भी लगेगी और आपके जिस्म का नशोनुमा जो है ना वो भी सही होगा। ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। जो बच्चे खाना नहीं खाते और उनका वज़न नहीं बढ़ता तो उन बच्चों के लिए ये सिरप बहुत मुफीद है। इसके अंदर विटामिन B1, B6 और विटामिन B12 पाया जाता है जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। ट्राइमेटाबोल बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप लोग तक पहुँचती रहें। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।